नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत इस वक्त कोरोना वायरस की भयानक लहर का सामना कर रहा है। देश में कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड तोड़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे में भारत में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के केस सामने आए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो नेशनल प्लान मांगा था, उस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सरकार ने अपना प्लान दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल किया कि वैक्सीन के अलग अलग दामों पर केंद्र क्या कर रहा है, अगर अभी की स्थिति नेशनल इमरजेंसी नहीं है तो क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय संकट के समय ये अदालत मूक दर्शक नहीं रह सकती। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि जब हमें लगेगा कि लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए हमें हस्तक्षेप करना चाहिए, तब हम ऐसा करेंगे। हमारा मकसद है कि हम हाई कोर्ट्स की मदद के साथ अपनी भूमिका अदा करें। हाई कोर्ट्स की भी अहम भूमिका है। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इन सुनवाइयों का उद्देश्य हाई कोर्ट का दमन करना या उनके काम में दखलअंदाजी करना नहीं है। उनकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर क्या हो रहा है, वो इस बारे में बेहतर समझ सकते हैं। सुनवाई के दौरान ऑक्सीजन और वैक्सीन की सप्लाई पर भी चर्चा हुई। अदालत ने ऑक्सीजन समेत अन्य मेडिकल जरूरतों पर डाटा मांगा है और अब शुक्रवार को इस पर सुनवाई की जाएगी। वहीं केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ऑक्सीजन की कमी और COVID-19 महामारी के प्रबंधन पर कहा कि हम स्थिति को बहुत सावधानी से संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाई लेवल कमेटी इस पर काम कर रही है और खुद प्रधानमंत्री स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऑक्सीजन प्रबंधन में केरल या तमिलनाडु जैसे राज्यों से अच्छी रिपोर्ट्स भी हैं। SG ने कहा कि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है और राष्ट्र एक साथ खड़ा है, ये आप या वाम पार्टी या किसी अन्य पार्टी का मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र किसी भी संवैधानिक अदालत का विरोध नहीं करेगा, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट। हम किसी के अधिकार क्षेत्र पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आमतौर पर एक राज्य से दूसरे राज्य का कोई आपसी मुद्दा नहीं है, अगर ऐसे मुद्दे हैं तो हम इसे दूर कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।